का जो आपने गलत आज का दिन और शाम खूबसूरत पैगाम लेकर आई है, जहां मेरा बेटा मेरा अजीज सऊद ने कासिम की हमायत का ऐलान किया है। आज रहमान एडवोकेट जो आज की सदारत कर रहे हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और वो लोग जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए या हमायत कर रहे हैं, सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आज कासिम ने भी बात की है और रहमान साहब ने भी बात की है कि कुछ लोग यह कह रहे हैं कि हम ये बदमाशी करेंगे, बदमाशी के अड्डे बनाएंगे, अब देखते हैं कौन वोट देगा। तुम जैसे बदमाशों को मैं घर से हटा कर रहा हूं। बाज आ जाओ, ये अड्डे बंद करो। वो वक्त चला गया है बाजी का, अपने शरीफ बाप की इज्जत को मत उछालो। मैंने तुम्हें बेटा बना कर रखा है, 10 साल तुम्हें एडमिनिस्ट्रेटर बनाया, जो जी चाहता है करो, फिर मुझे बताओ क्या किया है। एक चोर और डाकू को के साथ जा रहे, एक ऐसे नौसरबाज के साथ जा रहे जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। आज चकसवारे के लोगों, मैं आपसे एक ऐलान करना चाहता हूं, बारिश सरकार ना असेंबली मेंबर बनेगा ना प्राइम मिनिस्टर बनेगा। आने वाले कल में ये रो रो कर रहमान साहब आपके, सऊद साहब आपके पाँव पकड़ेंगे, फारूक काकड़े बैठे हुए आपके पाँव पकड़ेंगे। इसलिए मैं ज्यादा चीज नहीं कहना चाहता, अब इन बच्चे जो इलेक्शन लड़ रहे हैं इन बच्चों के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। इन बच्चों के बारे में मैं क्या कहूं जिनको अनुभव जीव का नहीं पता। मैं सारी जिंदगी अल्लाह वाला शरीफ को आजम नजर जानकर कहता हूं, सारी जिंदगी मैंने गरीबों की मदद की है, आपकी खिदमत करता रहा, आइंदा भी मैं आपको वायदा करता हूँ इंशाल्लाह आपका सारे काम होंगे। इतना रखे मुजमन रहे आप। दुरुद शरीफ की सरकार अजर मियाँ सरदार साहब मियाँ आफ्ताब साहब से हमेशा कहता हूँ कि दुआ करें आप, वो दुआ करते हैं, मेरे इलेक्शन में हमेशा उनकी दुआ शामिल रही है। दबड़ी वाली सरकार, वीर लाल बादशाह, वीर नेक आलम शाह, गुरने शिव की सरकार, दादा गंजवंश, सारे दुआ करेंगे डागरी शरीफ के, फैसला शरीफ के तमाम बुजुर्ग हुआ दुआ करते हैं हमारे लिए, हमें कोई परेशानी नहीं है। आप मत परेशान हो, मेरे घुटने में तकलीफ है, इलेक्शन के बाद मैं ऑपरेशन कराऊंगा इंशाअल्लाह ताला, घर घर आपके आऊंगा, शुक्रिया भी अदा करूंगा, और आपके साथ हर बात जो है वो मानी जाएगी। मैं बेवफा शख्स नहीं हूं, मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को आज़ाद जानकर कहता हूं। आज बेटा मेरा कहता है मैं चौकीदार हूं, मैंने कहा इसे
चौकीदारी करो, खिदमत करो आवाम की। माफी मांगो जहां गलती हुई है। आज मैंने यही सबक दिया है, आइंदा भी हम इसी पर चलेंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आज आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, सऊद साहब आपका भी, सबका भी। ये खालिद इब्राहिम, खालिद फारूक काकड़े से है, ये इंग्लैंड से सर्व इलेक्शन की वजह से आया है, और बहुत सारे दोस्त आए हैं मेरे, अलीशान ससुराल वाले आए, राजा न्यास साहब वो पहले ही आए हुए। मैं आखिर में आपसे यही दरख्वास्त करूंगा, आप नमाज पढ़ के दुआ करें, अल्लाह ताला हमें कामयाबी से सरफरू करें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।